हेलो एवरीवन, आज की मेडिसिन है कार्बो एनामलीज। ठीक है, तो जो कार्बो एनामलीज है मोस्टली वो फीमेल कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। एंड फीमेल में भी कहाँ पे, जब मेंसेस के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही हो, ठीक है, कि पेशेंट कुछ बोल नहीं पा रही हो, तो उस टाइप की कंडीशंस में ये इंडिकेट किया जाता है। सेकेंड वन ये इंडिकेट किया जाता है ग्लैंड्स में, ठीक है, जहाँ ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट हो, स्वेलिंग हो, इंड्यूरेशन की कंडीशन देखने को मिल रही हो, या काफी ज्यादा पेनफुल हो, जैसे कि एक्सला की ग्लैंड है, ग्रोइन सीजन की ग्लैंड है, या फिर मैमे काफी ज्यादा पेनफुल रहते हैं। ठीक है, तो ये टू टाइप्स की कंडीशन में ये मोस्टली इंडिकेट किया जाता है। फर्स्ट वन इज फीमेल, जहाँ मेंसेस की कंडीशन, मैमे की कंडीशन। सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर अफेक्शन। ठीक है, तो वन बाई वन हम बात करेंगे कि कार्बो एनामलीज का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कि इसका कंस्टिट्यूशन होता है, स्कोरोफ्लस कंस्टिट्यूशन होता है, वीनस कंस्टिट्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, जब कोई भी डाइवलेटिंग डिसीज हो, उसके बाद पेशेंट की वाइटलिटी कम हो गई हो, लोअर हो गई हो, तो उस टाइप की कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है। ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट, इंड्यूरेशन, वीन का डिस्टेंडेड कंडीशन देखने को मिल रही हो, या आफ्टर प्लूरेसी चौहन वाला पेन देखने को मिल रहा हो, मीन्स पेशेंट को अभी भी स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी पेशेंट कोई ओवर स्ट्रेनिंग का काम करेगा, कोई हैवी लिफ्टिंग करेगा, तो उसको काफी जल्दी स्ट्रेन आ जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग वुमेन में वीकनेस की कंडीशन, जितने भी इसके सिक्रीशंस होंगे वो सभी ऑफेंसिव देखने को मिलते हैं। पेशेंट की अगर हम मेंटली बात करें, तो पेशेंट को अकेले रहने की डिजायर होती है, इसको बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं होता है, ये अवॉइड करती है कन्वर्सेशंस को, रात में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही हो, या फिर फ्लशेस ऑफ ब्लड होना चालू हो जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप की हमें कंडीशंस देखने को मिलती है। हेडेक की बात करें, तो इसको जो सिर दर्द होता है या फिर जो हेडेक होता है वो पीसेस में डिवाइड कर गया है। ठीक है, इस टाइप का इसको हेडेक देखने को मिलेगा। रश ऑफ ब्लड की कंडीशन है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है, ऐसा लग रहा है कि उसके आंखों के ऊपर कुछ है और वो प्रॉपर अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा है। ठीक है, हियरिंग इसकी कंफ्यूज रहती है, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है AIA PGTs में कि ऐसा कौन सी मेडिसिन है जिसमें इयरिंग कंफ्यूज रहते हैं या फिर साउंड की डायरेक्शन वो नहीं बता पाता है। ठीक है, तो है कार्बो एनामलीज। पेशेंट इवन ईट भी करेगा, कुछ खाएगा पिएगी, तो भी काफी ज्यादा उसको टायर्ड फीलिंग होगी, एम्प्टी सेंसेशन देखने को मिल रहा है, वीक डाइजेशन देखने को मिल रहा है, या फिर माउथ से खट्टी स्मेल आ रही है, सोर वाटर की कंडीशन, वाटर रेस्ट की कंडीशन। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि इसको फीमेल की कंडीशंस में यूज किया जाता है कहाँ कहाँ, वो अब देखते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी में अगर नोजिया देखने को मिल रहा हो, और स्पेशली इसका जो नोजिया है वो नाइट में एग्रीवेट करता है। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकेंड कंडीशन, जब लोकिया ऑफेंसिव देखने को मिल रहा हो, जैसे कि क्रियोजोटम है, रस वेनेटा है, सिकल कोर है, तो उसमें भी लोकिया काफी ज्यादा ऑफेंसिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्रियोजोटम की सबसे पहले हम बात करते हैं, साथ के साथ हम कंपैरिजन भी देखते चलेंगे कि कहाँ कहाँ इसको कहाँ किस जगह कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अभी जो बात चल रही थी वो क्रियोजोटम की। क्रियोजोटम में काफी ज्यादा वायलेंट इचिंग भी होती है, लोकिया ऑफेंसिव भी देखने को मिलता है, मेंसेस के समय काफी ज्यादा इसको डिफिकल्ट हियरिंग की कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है, कान में से आवाजें आ रही हो, या फिर इरप्शंस की कंडीशन देखने को मिल रही है। लिकोरिया भी इसका पीरियड्स के टाइम पे वर्स होता है। ठीक है, आफ्टर क्वाइशन क्रियोजोटम में हैमरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे वॉमिटिंग देखने को मिल रही हो, या फिर इसका जो मेंसेस का फ्लो होता है वो इंटरमिटेंट होता है। ठीक है, पेशेंट जब भी चलेगी बैठेगी तो उसको मेंसेस का फ्लो जो होता है वो स्टॉप कर जाता है, बट जैसे ही वो लाइंग डाउन करेगी तो उसको फिर से रीअपियर कर जाता है। ठीक है, इसका लोकिया ऑफेंसिव भी होता है, इंटरमिटेंट की कंडीशन भी देखने को मिलती है, मीन्स इंटरमिटेंट लोकिया देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल कोर। सिकल कोर का जो पेशेंट होता है काफी ज्यादा स्क्रॉनी वुमेन होती है, काफी वीक देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें कोल्डनेस का सेंसेशन होगा, ये पेशेंट हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाता है,
पैसिव हैमरेज की कंडीशन देखने को मिलेगी, ऑफेंसिव ल्यूकोरिया है, मेंसेस इररेगुलर देखने को मिल रहे हो, या फिर थर्ड मंथ पे थ्रेटेंड मिसकैरेज की कंडीशन, थ्रेटेंड अबॉर्शन की कंडीशन, ठीक है। लेवर के टाइम पे कोई भी एक्सपल्सिव एक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, या फिर पेशेंट को ऐसा फील हो रहा है कि जो भी उसके ऑर्गन्स हैं वो सब रिलैक्स हो गए हैं, कोई भी पावर नहीं बची है, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम सिकल कोर का यूज़ करते हैं। इसका लोकिया की बात करें स्पेशली, तो इसका जो लोकिया होगा डार्क होगा, ऑफेंसिव देखने को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी अगर फीवर की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो उस टाइप की कंडीशंस में भी हम इसको यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमने बात बताई कौन सी, रस टॉक्स, ठीक है। तो रस टॉक्स की बात कर, रस टॉक्स में देखते हैं क्या कंडीशन है फीमेल को लेके। इसमें लोकिया प्रोटेक्टर देखने को मिलता है, ऑफेंसिव देखने को मिलता है, या फिर जो लोकिया है वो डिमिनिश्ड है। अगर पहले मैंने रस वेनेटा बोला तो उसको करेक्ट कर लेना, रस टॉक्स है, ठीक है। स्वेलिंग देखने को मिल रही हो, काफी ज्यादा वल्वा में इचिंग देखने को मिल रही हो, या फिर इसके जो मैंसेस होंगे वो भी प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, प्रोफ्यूज देखने को मिलता है, और इसका लोकिया जो होगा वो थिन होगा, ठीक है। इसके साथ साथ वजाइना में सूटिंग पेन होता है, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, लाइक सीपिया, ठीक। नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं मैंसेस को लेके। तो मैंसेस इसके टू अर्ली हो जाते हैं, या फिर फ्रीक्वेंट चलते, लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिल रहा हो, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है। इतना ज़्यादा एग्जॉशन होता है कि पेशेंट बोल भी नहीं पाता है, इतनी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देखने को मिलती है। और इसका जो मैंसेस का फ्लो होता है वो ड्यूरिंग मॉर्निंग के टाइम पे होगा, लाइक वोरेक्स एंड सीपिया। अब इसकी जो बात आती है वो कॉकुलस इंडिकस से कंपेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि कॉकुलस इंडिकस का भी जो ल्यूकोरिया होती है, मैंसेस होते हैं, काफी प्रोफ्यूज देखने को मिलते हैं, डार्क मैंसेस होते हैं। अभी हम बात किसकी बात करें, कॉकुलस इंडिकस की। मैंसेस इसके प्रोफ्यूज होंगे, डार्क होंगे, ठीक है। पीरियड्स के बीच में, मैंसेस के बीच में ल्यूकोरिया वर्स कर जाता है। और जो हमने बात बताई कि मैंसेस इसके इतने ज्यादा एग्जॉस्ट कर देने वाले होते हैं कि पेशेंट कुछ बोल नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा वीक हो जाता है मैंसेस के टाइम पे कि वो स्टैंड भी नहीं कर पा रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रही है, तो इस टाइप की कंडीशन हमें कॉकुलस इंडिकस में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है वजाइना में वर्निंग, या फिर लेविया रीजन में वर्निंग देखने को मिल रही हो, ब्रेस्ट में काफी ज्यादा पेनफुल रीजन है, या फिर इंड्यूरेशन की कंडीशन देखने को मिल रही हो स्पेशली राइट साइड का, यूट्रस में कैंसर हो, थाई रीजन में पेन देखने को मिल रहा हो, तो इसमें आप लोग एस्टेरियास रोवेंस पढ़ चुके हैं, वो भी काफी अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। कोनियम मैकोलेटम, वो भी अच्छी मेडिसिन है जब ब्रेस्ट में पेन होता है। तो बात करते हैं हम किसकी, कोनियम मैकोलेटम, ठीक है। कोनियम मैकोलेटम का जो पेशेंट होंगे, या फिर ब्रेस्ट की जो कंडीशन देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा पेनफुल होगी, या फिर जो पेनफुल कंडीशन है वो टच के लिए भी पेनफुल होते हैं। इसके ब्रेस्ट जो होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होंगे, या फिर एनलार्ज की कंडीशन, इवन मैंसेस से पहले मैंसेस के टाइम पे ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट देखने को मिलता है, काफी ज्यादा पेनफुल कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी किसकी, कोनिया मैकोलेटम। नेक्स्ट कंडीशन जहां कार्वो एनामलीज का यूज किया जाता है, प्लूरिसी अफेक्शन, या फिर आफ्टर द प्लूरिसी स्टिचिंग पेन रह गया हो, तो उस टाइप की कंडीशंस भी देखने को मिल जाती है। लंग्स में अल्सर्स की कंडीशन देखने को मिल रही हो, या कफ के साथ साथ ग्रीनिश पस का डिस्चार्जेस हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन अगर स्किन की बात करें, तो स्किन में इसमें अल्सर्स जो होंगे वो इस कॉपर कलर के इरप्शंस देखने को मिलेंगे, एक्ने रोजेशिया, जैसे कि ब्रोमेटम ग्रुप काफी ज्यादा यूज होता है, चाहे वो आर्स ब्रोम हो, काली ब्रोम हो, एक्ने रोजेशिया में इंडिकेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी। चिल्वलेंस की कंडीशन, आपको पता है इचिंग चिल्वलेंस में एगेरिकस भी अच्छी है और एवरोटेनम भी अच्छी है, चिल्वलेंस की कंडीशन में पेट्रोलियम को भी हम सोचते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स में इंड्यूरेशन है, स्वेलिन है, काफी ज्यादा पेनफुल है, या फिर एक्जिलर रीजन में, ग्रोइंस रीजन में, मैमी रीजन में काफी ज्यादा चुभन वाला पेन हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, या स्टिचिंग पेन देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ बर्निंग पेन होता है, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम यूज करते हैं किसको, कार्वो एनामलीज को। अब यही सेम कंडीशन आती है कोनियम मैकोलेटम की।
कोनियम मैकोलेटम में एक्सिलरी ग्लैंड में काफी ज्यादा पेनफुल रहती है, या फिर कोई भी इंजरी लग गई हो, कोई भी कंट्यूजन हो गया हो, तो जिसकी वजह से पस भर जाता है, या इंड्यूरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है ग्लैंड्स में, एनलार्जमेंट, इंड्यूरेशन, ठीक है, या फिर जो ग्लैंड्स में स्टिचिंग पेन मार्क्ड होता है, पियर्सिंग पेन होगा, इसकी भी जो कंडीशन है वो नाइट में वर्स होती है, ठीक है, ऑफेंसिव ऑर्डर की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंडीशन है मर्क आयोडेटस फ्लेवस। तो मर्क आयोडेटस फ्लेवस जो यूज किया जाता है वो राइट साइडेड रेमेडी है, ठीक है, सबसे पहली बात राइट साइडेड रेमेडी है, अल्सर्स देखने को मिल रहे हो। वैसे तो ये मोस्टली जो यूज किया जाता है वो टॉन्सिलाइटिस के अफेक्शन, डिप्थीरिया की कंडीशन में यूज किया जाता है, ठीक है, बट अगर कोई भी ग्लैंड से उसमें स्वेलन देखने को मिल रही हो, लार्ज है, हार्ड देखने को मिल रहा है, या मैमरी ट्यूमर है, ठीक है, मैमरी ट्यूमर के साथ साथ पेशेंट को काफी ज्यादा स्वेटिंग होगी और उसके साथ साथ गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, तब हम मर्क आयोडेटस फ्लेवस की बात करते हैं। वर्निंग स्किन पर देखने को मिलती है, रॉनेस, फिशर्स की कंडीशन देखने को मिल जाती है स्किन पर, कॉकेक्स सीजन में काफी ज्यादा पेन होता है, और इसका एंकल जो होता है इजीली टर्न कर जाता है, लाइक नेट्रम कार्व में एंकल बहुत जल्दी टर्न कर जाता है, या फिर स्प्रेन की कंडीशन देखने को मिलती है। पेशेंट थोड़ा बहुत भी ओवरलिफ्टिंग करेगा तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाएगी, जॉइंट्स में वीकनेस देखने को मिलेगी, हिप जॉइंट्स में पेन होगा लाइक नेट्रम सल्फ, ठीक है, या फिर नाइट में स्वेटिंग होगी, काफी ज्यादा फीटेड और प्रोफ्यूज स्वेटिंग देखने को मिलती है। इसकी जो कंडीशन है वो आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से, जिसमें कार्वो वैज भी इंडिकेट की जाती है, कार्वो एनामलीज भी इंडिकेट किया जाता है, और चाइना ग्रुप भी है, ठीक है। अब सीपिया से इसको कंपेयर किया जाता है क्योंकि सीपिया एक फीमेल रेमेडी है, ठीक है, और हमने जो बताया अपवर्ड स्टिचिंग पेन की, मतलब वजाइना में काफी ज्यादा शूटिंग पेन देखने को मिलता है, तो इस टाइप की कंडीशन में सीपिया से कंपेयर किया जाता है। एम्प्टी फीलिंग देखने को मिल रहा है, बट इसको भी क्या होता है सीपिया के भी पेशेंट को कि काफी ज्यादा एम्प्टी फीलिंग है स्टोमक रीजन में, उसको खाने से कोई भी आराम नहीं मिलता है, लाइक कार्वो एनामलीज, ठीक है, टबैको की वजह से डिस्पेप्सिया की कंडीशन देखने को मिलता है, या फिर पेशेंट कोई भी चीज खाएगा तो उसको सॉल्टी फील आएगा, तो इस टाइप की कंडीशन हो गई, या फिर मेंसेस इररेगुलर की कंडीशन में इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है सल्फर। सल्फर की बात करें तो सल्फर में भी काफी ज्यादा एम्प्टी सेंसेशन है, वीक सेंसेशन है, स्पेशली सुबह के 11 बजे, ठीक है, इसका भी जो फूड है काफी सॉल्टी टेस्ट फील करता है, वर्निंग फीलिंग, पेनफुल फीलिंग देखने को मिल रही हो, नॉजिया, गैस्ट्रेशन के टाइम पे काफी ज्यादा नॉजिया हो रखा हो, पेशेंट को क्या हो रहा है इरेक्टेशन देखने को मिल रहे हो, ठीक है, ये पानी ज्यादा पीता है सल्फर का पेशेंट खाने के मुताबिक, तो इस टाइप के पेशेंट कंप्लेंट्स में हम सल्फर से कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है प्लम्बम आयोड। प्लम्बम आयोड की बात करें तो आयोडम ग्रुप लग गया है, ठीक है, तो प्लम्बम आयोड में आयोडम ग्रुप लग गया तो मींस आयोडम में क्या होता है ग्लैंड्स में एनलार्जमेंट, इंड्यूरेशन, ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस में हम प्लम्बम आयोड को सोचते हैं। वैसे तो प्लम्बम पैरालिसिस या फिर जीआईटी कंप्लेंट्स में जब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है ईसोफेगस में, स्टोमक में, तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में हम प्लम्बम ग्रुप को सोचते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।